हे गाइस व्हाट्सअप व्हाट्सअप, कैसे हो? मजे में हो? मैं भी मजे में हूँ। तो कल के वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम कैसे पेड़ों का उम्र का पता लगा सकते हो बिना उन्हें हार्म पहुंचाए। तो उसी वीडियो में दो चार भाई बंधुओं ने रिप्लाई दिया था कि पेड़ों का तो सही है, पर फॉसिल्स का क्या? कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कितने साल के हैं? फिर मैं पूरा खुश किया, अरे वाह, अगले वीडियो का टॉपिक मिल गया। तो आज मैं बताऊंगा कि तुम फॉसिल्स का एज कैसे पता लगा सकते हो बिना उन्हें हार्म पहुंचाए। मतलब हार्म कैसे पहुंचाऊंगा, तो मरे होते हैं। तो साइंटिस्ट दो मेथड से ही पता लगाते हैं किसी फॉसिल का एज। मतलब कई सारे हैं पर ये दो मेन हैं। पर इसमें जाने से पहले हम कुछ बुद्धिजीवियों को बताएंगे कि फॉसिल्स क्या होता है। और जो लोग सोचते हैं कि डायनासोर की हड्डी को फॉसिल बोलते हैं, तो नहीं, उसको सिर्फ नहीं बोलते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो फॉसिल किसी भी चीज़ का बचा हुआ इंप्रेशन यानी निशान होता है जो कि पिछले जूलॉजिकल एज से अभी तक प्रिजर्व्ड है। और हाँ, फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। तो चलो अब बताते हैं कि पहला मेथड क्या है। तो पहला मेथड का नाम है कार्बन डेटिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैटर, जितने भी दुनिया में चीज़ हैं सब में कार्बन होता है। पेड़ पौधों में, पौधों को खाने वाली बकरी में, बकरी को खाने वाले शेर में, शेर को खाने वाले आदि मानव में, मतलब तुम समझ गए। वो कार्बन कार्बन 12 और कार्बन 14 के फॉर्म में होता है। तो कार्बन 12 और 14 दोनों सेम ही बिहेव करते हैं, बट एक चीज़ दोनों में डिफरेंस होता है, वो ये है कि कार्बन 14 अनस्टेबल होता है बट कार्बन 12 स्टेबल होता है। जब कोई चीज़ या कोई जानवर मरता है तो उसके अंदर का कार्बन 14, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, पर कार्बन 12 वैसा का वैसा ही रह जाता है कितना साल भी बीत जाए। कार्बन 14 5730 ईयर्स में आधा डिकम्पोज हो जाता है, अनदर 5730 में फिर आधा डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे करते करते वो हमेशा आधा डिकम्पोज होने लगता है 5000 साल में। तो जब साइंटिस्ट किसी फॉसिल्स को देखते हैं तो वो देखते हैं उसमें कितना कार्बन 14 बचा है, उसी से उसका डिटरमाइन करते हैं वो कितने साल का है। अब दूसरा मेथड जिसका नाम है ऑन लेवल मेथड। जब सरफेस को हम खोदते हैं तो जो फॉसिल क्लोज रहता है सरफेस एरिया से, उसका एज कम रहता है, और जो फॉसिल्स डीप में होता है उसका एज उतना ही ज़्यादा होता है। लेट मी इलस्ट्रेट। मान लो एक जगह पर 10,000 साल पहले एक डायनासोर मर गया, फिर कुछ समय बाद उसके ऊपर सॉइल की लेयर आ गई, और फिर वही जगह पर 5,000 साल बाद कोई सेबर टूथ टाइगर मर जाता है, और फिर कुछ समय बाद उसके ऊपर भी सॉइल की लेयर चढ़ जाती है। तो जब कोई आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन खोदेगा तो पहले उसे क्या मिलेगा? सेबर टू टाइगर, फिर मिलेगा डायनासोर। तो उसी से पता चलता है, जैसे कि कोई फॉसिल ज़मीन के 5000 फीट अंदर है, मतलब वो इतने साल का है, अगर 10,000 फीट अंदर है तो वो इतने साल का है। ये एक्यूरेट तो नहीं है पर मैं एग्जांपल दे रहा था, ऐसे ही कुछ होता है। तो बस यही था, ऐसे ही तुम पता लगा सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, हम मिलेंगे अगले में, तब तक के लिए बाय।